अच्छा, ये इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना पर्सनैलिटी, कि जब से साइकोलॉजी पढ़नी शुरू हुई है ना आज तक कोई 2500 टेस्ट ऐसे हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को कवर करते हैं। ये इसी टेस्ट की वजह से ये दो जो टर्म्स हैं ये बहुत कॉमन हुई, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। अच्छा, इंट्रोवर्ट ना अपनी ज़ात में मस्त रहने वाला बंदा होता है, जो एक्स्ट्रोवर्ट होता है उसके बाहर के लोगों से ना एनर्जी मिलती है, उसका दिल करता है लोगों से जाए, मिले, ताल्लुकात बनाए। ऐसे लोग वो होते हैं जो डिटेल्स पे फोकस करते हैं, इस वजह से ये बड़े अच्छे प्लानर्स होते हैं। इंट्यूटिव पीपल ये डिटेल पे नहीं जाते, ये होते हैं थ्योरीज वाले, फलसफी लोग, ये वाले सोचते हैं दिमाग से। अच्छा, जब ये दो लफ्ज़ आप सुनते हैं तो जहन में क्या आता है, साइकोलॉजी या साइकोलॉजिस्ट क्या आता है जहन में? पहली बात नफ्सियात, और पब्लिक परसेप्शन क्या है इसके बारे में? नहीं, दिमाग है तो आप इंसाफ कर रहे हैं, पागलों का डॉक्टर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, और क्या कहते हैं इनको? ये खुद पागल होते हैं। मैं किसी साइड से लग रहा हूँ? नहीं, मतलब 20 मिनट चल सकते हैं अभी। अच्छा, ये ना साइकोलॉजी की वो सारी ब्रांचेज है। पहले तो मैं ये जो परसेप्शन है, चूँकि आप बैठे हैं तो आपको बता दूँ कि यहाँ पर सिर्फ ये वाली जो है ना, सिर्फ ये है जो पागलों का इलाज करती है, तो ये बाकियों को आप ऐसे ही लेबल कर देते हैं। अगर कोई करे तो उसको भी बता दीजिएगा कि ऐसा नहीं होता, हमने पढ़नी है वो वाली। अच्छा, ये लिखा हुआ है पर्सनैलिटी साइकोलॉजी, इससे क्या समझ में आ रहा है, क्या होगी ये पर्सनैलिटी? क्या होती है शख्सियत, आम अल्फाज में बिहेवियर पर्सनैलिटी का एक पार्ट होता है, और एटीट्यूड भी हो सकता है। और इसके इंग्रेडिएंट्स बताते जाए ना, ताकि बिरयानी अच्छी पके जब हम लेके आए। जी, चाल चलन बिल्कुल ठीक है, और जी स्किल नॉलेज ट्रेनिंग बिल्कुल ठीक है, और ग्रूमिंग, तो वो पर्सनैलिटी की ग्रूमिंग होगी, ठीक है। और अच्छा, ये इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना पर्सनैलिटी, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि जब से साइकोलॉजी पढ़नी शुरू हुई है ना आज तक कोई 2500 टेस्ट ऐसे हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को कवर करते हैं, लेकिन फिर भी कोई साइकोलॉजिस्ट ये नहीं कह सकता कि उसने आपकी पर्सनैलिटी मुकम्मल तौर पे समझ ली है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपकी पर्सनैलिटी में इतनी डायमेंशंस रखी हैं कि एक तो आप हर वक्त बदल रहे होते हैं, विद एवरी न्यू थॉट आपका पुराने वाला जो आपका इंसान है वो अपडेट हो रहा होता है, जैसे व्हाट्सएप होती है, फेसबुक होती है, सेम आप खुद भी अपडेट हो रहे होते हैं। अच्छा, इन 2500 में से सिर्फ एक आज हमारी डिस्कशन है। अभी आपको MBTI का मेन मतलब तो समझ में आ गया है, कोई पढ़ के बता सकता है क्या लिखा हुआ है? हाँ जी, ये इस टेस्ट का नाम है, ये बेसिकली एक इन्वेंट्री है जिसको एक साइकोलॉजिस्ट ने इस पर काम शुरू किया था, और आज हम यहाँ पे पहुँचे हैं कि हमें ये लगा कि ये पाकिस्तान के लोगों को समझानी चाहिए, तो हमने इसकी ट्रांसलेशन पे काम शुरू किया है। ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर इस पे ठीक तरीके से काम हो गया और इसको हम अच्छे तरीके से लोगों में बता सके उनको कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो इससे हर इंसान का अपना करियर पाथ, उसकी ज़ात उसके सामने बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, लेकिन कुछ डायमेंशंस में, सब भी नहीं। जैसे मैंने पहले कहा कि 2500 पर्सनैलिटी टेस्ट हैं, उनमें से एक मैं ये इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये एक मेजर है और इस पर बहुत काम हो चुका है। आगे चलें, डन। अच्छा, ये कुछ कोड हैं जो आपके सामने भी लिखे होंगे, जो आपको कार्ड दिया गया, कुछ 16 किस्म के कोड हैं, और हर इंसान का एक अपना कोड है, मेरा अपना है, आपका अपना है, और ये टोटल 16 कोड्स हैं। मैं आपको कार्ड्स दे दूंगा जिस पे आपकी पर्सनैलिटी की डिटेल लिखी होगी जब ये सेशन एंड होगा। हमने बेसिकली इन कोड्स को समझना है, और जब आपको ये कोड समझ आ जाएंगे तो आपको अपनी पर्सनैलिटी की चार मेजर डायमेंशन समझ में आ जाएंगे। उसके बाद आपके लिए, आप इनको जाके गूगल करेंगे तो आपके लिए अपने आप को पढ़ना, अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं उनको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बारे में तो आप सबको यकीनन पता होगा क्या होता है, कोई बता सकता है कि इंट्रोवर्ट क्या होता है? सुना था होगा, ये तो बहुत कॉमन है, ये इसी टेस्ट की वजह से ये दो जो टर्म्स हैं ये बहुत कॉमन हुई, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। अच्छा, इंट्रोवर्ट ना अपनी ज़ात में मस्त रहने वाला बंदा होता है,
इसको हाँ आइसोलेटेड वैसे वो सोशल एंग्जाइटी भी होती है, लेकिन इंट्रोवर्ट ना अपनी चॉइस से अकेला रहना पसंद करता है। जो एक्सट्रोवर्ट होता है उसके बाहर से बाहर के लोगों से ना एनर्जी मिलती है, उसका दिल करता है लोगों से जाए मिले ताल्लुकात बनाए। इंट्रोवर्ट कहता नहीं बंदे नहीं चाहिए मैं काफ़ी हूँ मैं कल ही काफ़ी हूँ। तो वो क्या करता है वो अपने आप से गपशप लगाता है, किताबें पढ़ता है, मूवीज़ देखता है, CID देखता है, मनीष देखता है, और उसके लिए सब कुछ वही होता है, उसके एक्सपीरियंसेस, उसकी ट्रैवलिंग, उसकी किताबें। आप उससे किसी और टॉपिक पे बात करेंगे ना वो चुप करके बैठ जाएगा, वो बात ही नहीं करेगा, वो कहेगा हाँ ठीक है ओके। आप उसके फेवरेट टॉपिक्स पे आ जाओ ना वो आपको ऐसी ऐसी थ्योरीज पेश करेगा कि आपको किसी एंगल से नहीं लगेगा कि ये इंट्रोवर्ट है, ठीक है। लेकिन इंट्रोवर्ट बेसिकली बात करते हैं, ये नहीं होता कि गूंगे होते हैं या कोई और मसला होता है, बस वो सिलेक्टिव सी बात करते हैं, वो जितना उनको कहना चाहिए ना उससे ज़्यादा बात नहीं करते। एक्सट्रोवर्ट क्या करता है, एक्सट्रोवर्ट को आप पूछें जी कल का मैच कैसा रहा, तो वो कहेगा 2007 में एक दफ़ा पहले एक ऐसा मैच हुआ था। वो पहले पूरी पीछे से सियाह को सबाक लेके चलेगा और पहले आधा घंटा तो तमहीद बांधेगा, कहेगा यार तब ये हुआ था, पिच बड़ी ड्राई थी, ये वो एंड तक कहेगा बैट्समैन तक कसूर है, एनों को बैटिंग नहीं सही हुई, ठीक है। ये है इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में, यानी बाई चॉइस ये लोग सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। इंट्रोवर्ट इनसे अगर आप बातचीत ना करें इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक्स्ट्रोवर्ट को गश पड़ने शुरू हो जाते हैं अगर इसको लोग ना मिलें तो, ठीक है। इसको ज़रूरत पड़ती है यार किसी से बात करूं, किसी को सुनाऊं कहानी हो ना, तो ये अक्सर रात को कॉल करके यार आज बड़ी एक वाक्य आया तुम दसना सी, ये एक्स्ट्रोवर्ट का एक मिजाज है, वो अपनी बात सुनाए बगैर ना उसको वो चैन ही नहीं पड़ता। आगे चलते हैं, ये है सेकंड डायमेंशन आपकी, जो आपका कार्ड है ना अगर आपने सीधा पकड़ा हुआ है तो ये वाली एस और एन। अच्छा एस लोग वो होते हैं जो डिटेल्स पे फोकस करते हैं, कमरे में आए अच्छा देखा वहाँ किताबें लगी हुई हैं, 2-3 AC लगे हुए हैं, लाइट्स लगी हुई हैं, वाह यार मॉल अच्छा है, ठीक है। ये छोटी छोटी डिटेल्स पे फोकस करेंगे। आप इनके सामने प्लान लेके जाए ना कि सर हमने ना 3 दिन का टूर का प्लान बनाया, तो अच्छा कितने बजे निकलना है, पहला स्टॉप किधर है, अच्छा उसके बाद नाश्ता किधर है, नाश्ते में क्या है, ठीक है। वो इन छोटी छोटी डिटेल्स पे बहुत फोकस करते हैं, इस वजह से ये बड़े अच्छे प्लानर्स होते हैं। अच्छा ये जो दो लोग हैं ना सेंसर्स जाते हैं डिटेल पे, और जो वो है ना इंट्यूटिव पीपल ये डिटेल पे नहीं जाते, ये होते हैं थ्योरीज वाले फलसफी लोग, ये शायरी करते हैं, ये अपनी थ्योरीज बनाते हैं, आइंस्टाइन टाइप लोग, न्यूटन टाइप लोग, कि दरख्त के नीचे बैठे हैं, सेब गिर गया है, दर्द महसूस नहीं हुई, ये सोचना शुरू कर दिया नीचे क्यों गिरा, ठीक है। और इमेजिनेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, इनकी ये खास बात होती है कि ये लोग वो होते हैं जो क्रिएटिव, इनमें ना स्ट्रेंथ बहुत पाई जाती है। ये आपको नित नई चीज़ें, आपकी जितनी भी जदाद इस कमरे में सारी एन लोगों की तरफ से हुई है, एस लोगों की उसमें सपोर्ट थी लेकिन एन लोगों की तरफ से मेन जो काम था वो उन्होंने किया। अब आती है दिल और दिमाग की लड़ाई, ये है आपका थर्ड फेस। अच्छा ये जो है ना दोनों ई और आई, एस और एन और नौ टी, ये एक्सट्रीम्स हैं, ठीक है। पेंडुलम होती है ना, एक साइड पे एक, दूसरी साइड पे दूसरा, दरमियान में कुछ नहीं है। तो अच्छा जितना आप पॉलिश कर लेंगे उतनी बेहतर हो जाएगी। इस पर दरमियान में बात करेंगे, कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि मैं इंट्रोवर्ट भी हूँ और एक्स्ट्रोवर्ट भी हूँ, फील आ रही है, मैं कर दूँ थोड़ी फील, ठीक थोड़ा थोड़ा सा टाइम दे दें। अच्छा थिंकर और फीलर, क्या लग रहा है तस्वीर से क्या होंगे ये लोग? हाँ थिंकर के पास आप जाएंगे ना, आप उसे कहेंगे यार गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है, तो कहना पैसे चाहिए, वो उसका सीधा सवाल होगा, वो एंड एंड वाली बात करो, मुझे कहानियाँ ना सुनाओ, मुझे बताओ काम क्या है, ठीक है। वो प्रोज एंड कॉन्स वाले लोग होते हैं, उन्हें फ़ायदा नुकसान के सोचते हैं, वो किसी की भी मदद करेंगे ना पहले सोचेंगे मेरे को लेने है ना कि मैं दे दें। अच्छा एफ वाला बंदा एग्जैक्टली ऑपोजिट है, वो कहता है इसको ज़्यादा ज़रूरत है, मेरा काम चल जाएगा। अच्छा अब बताएं एफ वाला कौन कौन है इधर? हाँ फीमेल ज़्यादा एफ होती है, ठीक है। लड़के बेचारों पे जिम्मेदारियाँ इतनी होती हैं कि एफ मर जाता है उनका, ठीक है ठीक है। वो उनको जो कमा रहे होते हैं ना उसमें वो देख रहे होते हैं, अच्छा इधर भी लगाना है, चल इन्हें छोड़ो मैं आपे बैलेंस कर लांगा, ठीक है।
टी वाले सोचते हैं दिमाग से, ठीक है। आप इनसे कहना कि यार एक टूर प्लान करना है, सेम एग्जांपल दोबारा, तो टी वाला आपको पूरा प्लान वे आउट बना के देगा, वो देखेगा। अच्छा, उसको प्रॉब्लम आ जाएगी, यार चार लोग नहीं जा रहे, वो कहेगा नहीं तो ना सही, मैं क्या करूँ। एफ वाला कहेगा यार को कंपनसेशन करते हैं यार, सारे मिल के पैसे डालते हैं, इनको ले चलते हैं, ठीक है। तो एफ वाले का माइंडसेट, फैमिली वाले जो लोग होते हैं ना, जो घर में लोग होते हैं, वहाँ पे बंदा एफ हो तो बड़ा अच्छा है, काम की जगह पे टी हो बहुत अच्छा है। तो ये आपके आपकी वर्क प्लेस पे काम आएगा और वो घर पे काम आएगा। द लास्ट, जजर्स एंड परसीवर्स, फौजी और गैर फौजी लोग। आप में से किस किस के वालिद साहब ऐसे हैं जो बड़े सख्त हैं अपने डिसिप्लिन में और कहते हैं कि जी जो मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ। आप में से किस किस के वालिद साहब फौज में है कोई? आपने तो डिसिप्लिन देखा होगा, बल्कि चखा भी होगा, है ना। जो फौजी तबीयत के लोग होते हैं ना, वो जे होते हैं, दैट साइज, डिसीजन स्केड्यूल्ड, ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। वो कहते हैं टाइम पर नाश्ता होगा, उसके बाद नहीं मिलेगा, आपने टाइम पे पहुंचना है। आप 5 मिनट लेट हो गए तो वो एक सीरीज़ ऑफ लेक्चर चलती है फिर उनकी, फिर वो बात नहीं बोलते, वो आपकी पुरानी गलतियां निकाल के फिर लेके आएंगे, याद ही और दू तू ए कीता सी। अच्छा, जे और पी अगर दोस्त बन जाए, अच्छा पी एग्जैक्टली अपोजिट है, दोबारा सेम एग्जाम्पल ताकि चीज़ें आपके लिए क्लियर है। जे टूर ऑर्गेनाइज करेगा ना, वो सारी मैनेजमेंट खुद देखेगा। अच्छा, इन लोगों में ये मसला होता है कि ये लोग अगर कुछ कर रहे हैं ना और उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो इनको सुकून नहीं आता। जब तक हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हो गई है ना, तब कहेंगे हाँ ठीक है। पी वाला बंदा की करेगा, वो एक जगह से चलेगा और रास्ते में उसको कोई अच्छी जगह नज़र आ गई है, वो कहेगा हाँ उधर देखेंगे, पहले इधर रुकते हैं, पहले इधर की बात करते हैं। वो प्लान चलाएं नहीं, वो कहता यार जो है ना वो यही है, वो इतना ही है, वो ना अगे है तो ना पीछे है। तो वो ना मोमेंट्स को इन्जॉय करते हैं, ओपन होते हैं, ऑप्शंस पे जाते हैं। अच्छा, ये थोड़े से ना डिसऑर्गेनाइज्ड भी होते हैं। इनके कमरे में आप जाएं, आपको पता चल जाएगा ये पी है, ठीक है। फ़ायदे हैं, अपने फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ नुकसान भी हैं, ठीक है। जैसे जे वाला बंदा, वो अक्सर लड़ पड़ेगा अगर आप उसके मिलने जाएँ ना और 5 मिनट 10 मिनट लेट हो जाएँ। आपने मिस्टर चिप्स की स्टोरी पढ़ी? अच्छा, उसके ना लास्ट चैप्टर में एक बात थी, लास्ट या सेकंड लास्ट में, उसका जो टाइम था ना, अगर वो किसी को टाइम देता था 12 से एक मीटिंग का, तो 1 बजे जाके दरवाज़ा खोल देता था, चलो भाई अल्लाह हाफिज़, ठीक है था ना। तो वो बेसिकली एक जे बिहेवियर है कि यार ये टाइम हो गया, आपका टाइम इतना ही था, चले अल्लाह हाफिज़, डन, समझ आ गई। अच्छा, अब बताएं आपकी पर्सनैलिटी टाइप कौन सी है, इसको आप लिख लें। ये जो कार्ड है ना आपका, आपके सामने पड़ा हुआ, खुद को देखें कहाँ पे हैं आप। सबसे पहले ये डिफाइन कर लें, एक्स्ट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है। अच्छा, एक बात बता दूं डिस्क्लेमर, कोई पर्सनैलिटी टाइप बुरी नहीं होती, ठीक है। धक्के नाल दूजे च नहीं पाना अपने आप नूं, जिते हैगी हो ना उत्थे ही रखना है, बाद में आप मिडल में कुछ नहीं होता। अच्छा, ये मैं बता दूं, एक डोमिनेंट होती है दूसरे पे, ठीक है। आप इंट्रोवर्ट या एक्स्ट्रोवर्ट में अगर कंफ्यूज है ना, तो आप में एक डोमिनेंट होगी, ठीक है। वो 70-30 की रेशियो हो सकती है, जैसे मेरा टी और एफ मुझे लगता है कि 60-40 पे है, ठीक है, ऐसा होता है। हाँ जी, डन, एक्स्ट्रोवर्ट इंट्रोवर्ट डन, आगे चलें। सेंसर्स और इंट्यूटिव पीपल, अगर आप इमेजिनेटिव हैं, आइडियाज़ की बात करते हैं, तो फिर आप क्या हैं, इंट्यूटिव, आइंस्टाइन फैमिली से। अच्छा, अगर आप सेंसर हैं तो फिर आप रियलिस्टिक हैं, जो सामने है उसको मानेंगे, जो नहीं है थ्योरीज पे नहीं जाते, ठीक है। अच्छा, आगे दिल और दिमाग की लड़ाई मैंने बड़ी वाजह तौर पे आपको बता दी थी। अच्छा, जे और पी, पी, अच्छा पी, अब ज़्यादा पी निकल आए हैं तो मैं थोड़ी सी इनकी मैं थोड़ी वो भी कर दूँ ना, बैलेंस कर दूँ। मैंने जे को बहुत ज़्यादा अच्छा पोर्ट्रे कर दिया है, और पी लोग लम्हे मौजूद में रहते हैं, ये पास्ट की इतनी टेंशन नहीं लेते, मतलब पास्ट में कुछ हो गया कहते छड़ो जी, हो गया जो हो गया, अब कोई मसला नहीं। और जो फ्यूचर में है ना, उसकी भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। और ये लोग फिक्स्ड काम नहीं करते, यानी डेली आप इनको एक ही काम दो ना,
तो ये परेशान हो जाते हैं, ये कहते हैं यार कुछ नया होना चाहिए, कोई नया तड़का। ये रेस्टोरेंट्स पे भी अगर जाएँ ना, बदल बदल के जाते हैं, कहीं और कहते हैं यार कुछ नया ट्राई करें। तो इस मामले में अच्छे इनके एक्सपीरियंसेस बहुत होते हैं। अब इनके पास, अब एक बंदा पी है और साथ में एक्सट्रोवर्ट है, उसके पास कहानियों की दुनिया होगी पूरी। वो पी वाले तजर्बे आपको अपने एक्स्ट्रोवर्जन से सुनाता रहेगा। डन, निकल आया। अच्छा, ये हम एक पढ़ रहे हैं फिलहाल, INFJ। अच्छा, INFJ आसिफ अली जरदारी साहब इज़ INFJ। मैंने पहले कहा था कोई अच्छा बुरा नहीं होता, पर्सनैलिटी होती है। नेल्सन मंडेला जानते होंगे आप, एलन मस्क। अच्छा, ये लोग कैसे होते हैं? थाटफुल, क्रिएटिव। आगे पढ़े, हाँ जी, इंटेग्रिटी, बिल्कुल ठीक है। ये लोग फ्रंट पे नहीं आते, ज़्यादातर इनकी कोशिश होती है बैक एंड पे ना काम करते रहे। जैसे एलन मस्क है, ये टेस्ला, स्पेसएक्स, दिन में 18-16 घंटे काम करता है, ठीक है। ज़्यादातर ये बैक एंड पे ही रह कर काम करना पसंद करते हैं। जरदारी साहब की भी मीडिया प्रेजेंस इतनी नहीं है, ठीक। तो ये इनका कोई कमाल नहीं है, जो इनको मिल गई है ना पर्सनैलिटी। अब ये एक थॉट दे के जा रहा हूँ कि अगर ये ऐसे हैं तो इनका क्या कमाल है, ये एक चीज़ आपने सोचनी है। अगर आसिफ अली जरदारी साहब को INFJ बनाया है, ठीक है, तो सियासत के गुरु अगर वो बने हैं तो अपनी स्किल्स को यूज़ करके बनाएं, ठीक है, मास्टरमाइंड, ठीक है। बात कम करते हैं और देखते हैं 5 साल बाद। अब बिलावल साहब को उन्होंने जहाँ प्लेस करवाया, उसकी फ्यूचर में उनको कहीं ना कहीं कुछ नज़र आ रहा होगा ना, इसलिए उन्होंने वहाँ पे लगवाया। फीलर्स हैं और वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं। डल, अच्छा, होना कहाँ कहाँ होने चाहिए? ये काउंसलर बहुत अच्छे होते हैं। फर्ज करेंगे एक बंदा एक्स्ट्रोवर्ट और काउंसलर बन गया, काउंसलर का काम होता है सुनना। एक्स्ट्रोवर्ट सुना ही है किसी? अगर तू छड, मैं तेनों अपनी दसना है, ठीक है, वो अपनी कहानियाँ शुरू करेगा। अच्छा, सोशल वर्कर, चुप करके काम किया, लोगों के साथ कॉन्ट्रीब्यूट किया, उसके बाद अगले पे चले गए, ठीक है, बातें चाहते नहीं, काम पे यकीन रखते हैं। अच्छा, HR, लोगों को मैनेज करना जानते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, अब आती है फ्लेक्सिबिलिटी, जिस पे बात हो रही थी कि मुझे लगता है मैं एक्स्ट्रोवर्ट भी हूँ और इंट्रोवर्ट भी हूँ। इसको इंग्लिश में कहते हैं गलतफहमी, ठीक है। आपकी कोई एक ना डोमिनेंट होती है, वैसे एक टर्म है, अगर आप उसे गूगल करेंगे, एम्बीवर्ट के नाम से, ठीक है। वो लोग होते हैं जो दोनों तरीके से बैलेंस कर लेते हैं, लेकिन इस टेस्ट के मुताबिक वो क्या है कि आप पे कोई एक डोमिनेंट होगी, ठीक है, या ये हो सकता है कि आप फ्लेक्सिबल हो जाए। जैसे मैं एक इंट्रोवर्ट आदमी हूँ, लेकिन बवक्ते ज़रूरत मैं एक्स्ट्रोवर्ट बन जाता हूँ, ठीक है। आप हो सकता है एक्स्ट्रोवर्ट हूँ, लेकिन आपको डेस्क टॉप जॉब दे दी जाए और उसके बाद आप इंट्रोवर्ट बन जाए, लेकिन वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है। जैसे आप किसी चीज़ को खींच के आप खींचें, तो अगर आप उसे छोड़ेंगे तो वापस वहीं पे जाएगी। तो अगर आप इंट्रोवर्ट हैं तो आप इंट्रोवर्ट ही रहेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है, लेकिन आपका जो कम्फर्ट है ना वो किस में रहेगा? इंट्रोवर्ट। कोई ऐसा है जिसको कोई कन्फ्यूजन हो? क्योंकि इसके बाद मैंने आपको कार्ड्स देने हैं पर्सनैलिटी टाइप पे, और वो कार्ड्स में आपकी डिटेल लिखी होगी, ठीक है, उस पर लिखा होगा कि कैरियर कौन से हैं, आपके लिए मशवरे क्या है क्या, ठीक है, और उसमें मतलब एक छोटा सा कार्ड होगा, तो आप लोगों को वो यहीं पे मिल जाएगा। तो अगर आपको अभी कोई कन्फ्यूजन है तो मैं क्लियर कर देता हूँ, मेरे पास 3-4 मिनट मजीद हैं। अगर कोड गलत आ गया फिर आपकी तो डायरेक्शन ही बदल जाएगी। सोचें कि 16 पर्सनैलिटी टाइप आपकी INFJ थी, आपने निकाली INFJ, आपकी एक छोटी सी कन्फ्यूजन की वजह से वो जहाज़ ने थोड़ा सा टर्न लिया, वो कैलिफोर्निया बजाय लॉस एंजलिस उतर गया, तो कहाँ जाएंगे आप? डरा नहीं रहा, आप जाके इसको गूगल से चेक कर सकते हैं। कुछ ऑनलाइन टेस्ट इस पर पड़े हुए हैं, लेकिन वो इतने रिलायबल नहीं हैं जी। डन, ऑल डन जी।